नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, तुम यहाँ कैसे? एक केस के सिलसिले में आया था सर। अच्छा, बाकी डलो से मत, सब ठीक? ठीक है सर, मैं चलूँ? एक मिनट, तुम्हारा वो बैग। नहीं सर, मैं तो खाली हाथ आया था। जब मेरी नजर तुम पर पड़ी तो तुम्हारे राइट हैंड में बैग था, वो बैग तुमने वहां रखा है। नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा, एक मिनट। अरे नाम सर, वो बैग लेके आओ। ये सब क्या है सर? ये बैग मेरा नहीं है। ये बैग तुम्हारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने उस चेयर पे रखा था बैग। ये बैग मेरा नहीं है ये सर। बैग तुम्हारा है। बकवास है सर। शट अप। सारा डिपार्टमेंट जानता है कि मुझे इस शहर से कितना नफरत है। ये बैग मेरा नहीं है। ये बैग तुम्हारा है। डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकने के लिए नफरत का अच्छा ढोंग रचा है ताकि आसानी से इसकी स्मगलिंग कर सको। अरेस्ट हिम। तमाम सबूत और गवाहों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अर्जुन सिंह ने अपने सीनियर ऑफिसर अमर अग्निहोत्री का कत्ल किया, लिहाजा यह अदालत अर्जुन सिंह को उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत मारो, नहीं, 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 मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत मारो। चाचा, हाँ? वो उसे क्यों मार रहा है? कौन मार रहा है? अरे, वो अजगर उस आदमी को पीट रहा है। कहाँ पीट रहा है? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। उसने उसको मारा। और सुन, और अपने को कल वो काम नहीं पड़ेगा। हाँ, बहुत जरूरी है। चलो चलो, निकालो जल्दी। आप इस जेल में कब से हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उठ, साला कुत्ते की तरह खाता है और तब गिरा दिया। उठा उठा इसे। ना, इतने दिन तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए? कई बार आ चुका हूं सर, पर पता नहीं मिलने ही नहीं दिया। एक नया सेंट्री था, उसे थोड़े से पैसे खिलाकर बड़ी मुश्किल से अंदर आया हूं सर। अच्छा सर, अग्निहोत्री सर के लिए कुछ मैसेज है? लंकेश्वर ने इस जेल को अड्डा बना दिया है। ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो इस जेल में नहीं होता। यहां के गोदाम गैर कानूनी हथियारों और बारूद से भरा हुआ है। पता चला कि 15 अगस्त के दिन यह माल यहां से निकाल दिया जाएगा। हरिनाम सर, अगर यह माल यहां से निकल गया तो इसलिए उनसे कहना कि जल्द से जल्द छापा मार के लंकेश्वर को गिरफ्तार कर ले। ओके सर। नहीं सल्यूट नहीं सर। ओके। काजल दुखी है सर। काजल? उसे मालूम नहीं है ना, मगर सर जब उसे ये सब पता चलेगा ना तो बहुत खुश होगी वो। फकर होगा उसे अपने पिता पर, आप पर। और सर मैं भी बहुत खुश हूं सर। फकर होता है मुझे अपने आप पर, जो मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। हरिनाम सर, रेड की तैयारी करो। यस सर। सॉरी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Hey! 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 Hey
हम इस जेल में सिर्फ तिरंगा लहराने के लिए नहीं आए, हमारे यहां आने का एक खास मकसद है, और वो मकसद है अपने अंदर छुपी बुराइयों को खत्म करने का प्रयास। गला घोंट दो हर बुराई का, तोड़ दो सारी बंदिशें, दिल में हिम्मत और एक चैलेंज लेकर बुराई के सामने डटकर खड़े हो जाओ। चोर, चोर गिरफ्तार कर लीजिए सहवान को, इसने न जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, हरिराम को मेरे आंखों के सामने फांसी पर चढ़ा दिया सर, सर उसने खाने में आईडी 100 हथियार भरे हुए सर, सर सब अपनी आंखों से देख चुका हूँ सर, अपनी आंखों से देख चुका हूँ। अच्छा वो आप लोग आ गए सर, गिरफ्तार कर लो जवान को। चले जाओ से, तुम लोग मुझे क्यों पकड़ा, छोड़ दो मुझे, गिरफ्तार कर लो सहवान को। कमिश्नर। यस सर। इस जेल में एक पागल कैदियों का भी सेल है क्या? सर ये एक पुलिस ऑफिसर था, अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मार दी, लगता है पागल हो गया। ले जाओ इसे नीचे। हालत बना रखी है तूने, ईमानदारी जताकर तुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं, बहुत बर्दाश्त कर लिया तूने, बहुत जुर्म हुआ है तुम्हारे साथ, इसलिए हमने फैसला किया है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं। एक बात तुम भूल रहे हो लंकेश्वर, अगर तुमने इसे आजाद कर दिया तो ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, चुन चुन कर मार डालेगा। मुझे भी लगता है सबको मार डाले गए, लेकिन हम क्यों मरे भाई? हाँ, जिंदा रहने का हक तो सिर्फ हमारा है, क्योंकि दुनिया भर के ऐशो आराम हमारे पास है, इसके पास क्या है? बूढ़ा बाप था, हमारे ही घर में आकर हम पर ही भौंकने लगा, एक ऐसा बार पड़ा कि कुत्ते की तरह जुबान बाहर निकल आई, एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। बच्ची थी एक छोटी बहन, उस बेचारी का अपना प्रॉब्लम, ये अजगर जेल से भूखा प्यासा छूट कर आया और सीधा निकल गया उसे। एक और महारथी थे, इनके ही आदर्श मिस्टर अग्निहोत्री, बहुत चढ़ी चढ़ी थी,
उसे ये गलतफहमी थी कि वो प्लान बना रहा है तुम्हें भेजकर हमारी गिरफ्तारी का। सच तो ये है कि प्लान हम बना रहे थे तुम दोनों को खत्म करने का, क्योंकि तुमने हमारा करोड़ों का माल पकड़वा कर हमें नुकसान पहुंचाया। उसे मरना था, वो मर गया। नहीं नहीं, अरे तुमने उसे नहीं मारा, वो पाप तुम अपने सर पे मत लेना। तुमने तो उसे नकली गोली मारी थी, वो नेक काम तो हम सब ने किया था। मरने की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है सर, लेकिन असल में मरना उतना ही आसान है। ये निकला रिवॉल्वर, ये लगाया निशाना और ये चली गोली। तेरे हमदर्द, तेरे चाहने वाले सब एक एक करके ऊपर चले गए, तो अकेला इस दुनिया में जीकर क्या झक मराएगा? अरे ये दुनिया तो नरक है नरक। इस संसार में सिर्फ हमारे जैसे लोग जी सकते हैं, तुम जैसे नहीं। तुम तो बड़े ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसर थे, तो तुम्हारी मौत भी बहुत शान और इज्जत से होनी चाहिए। आशिक का जनाजा अगर धूम से ना निकले तो इश्क करने का फायदा ही क्या है? अरे लंकेश्वर, ये सुन रहा है कि नहीं? सब सुन रहा है। अजगर, मंत्री जी अपने शुभ हाथों से इन्हें पुलिस इंस्पेक्टर बना दीजिए। यह है अशोक स्तंभ जिसे तूने हमेशा अपने सर का ताज बनाए रखा। ले, पहले से और ये है वो सितारे जो जुर्म की अंधेरी रात में चमक कर तेरे नाम को चमकाते थे। इसे सीने पर लगाकर तू शेर की तरह चला करता था। लाओ फिर चलाओ। और ये नाम अर्जुन सिंह, जिसका नाम और निशान अब मिटने वाला है। सर उठाकर उससे मदद न मांग, अब तुझे बचाने के लिए उसका कोई बंदा नहीं बचा है। अर्जुन, 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 होश में हो मेरे भाई, होश, अर्जुन, 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 पता चला मुझे, मुझे सब पता चला। तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं अर्जुन। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा कर भाई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। खुदा ने जुल्म करने वालों को कभी नहीं बख्शा। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे सब खबर है। चलो अर्जुन, चलो।
अर्जुन चलो चलो अर्जुन। Yeah.
बयान। हमारी इस साजिश में जेलर लंकेश्वर भी हमारे साथ था। ठीक है, जल्दी पता करो। बताता हूं। बोल। पीछे देख। अजगर को फोन दो। अजगर इस लायक नहीं है कि तुझसे बात कर सके। क्या हो इसे? वो खा रहा है। क्या? लात और घूंसे खा रहा है। देखो लंकेश्वर, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। खामोश, जुबान बंद रखो जेलर, वरना अर्जुन सिंह तो फांसी के तख्ते पर चढ़ी रहा है।
उसके साथ साथ तुझे भी चढ़ा दूंगा। सर बोट रेडी है, शाम होने से पहले हम सरहद पार कर चुके होंगे। ये माधव सिंह अर्जुन को लेकर अभी तक क्यों नहीं आया? माधव सिंह इतनी जल्दी भूल गए जेलर, रिवॉल्वर दाई नहीं बाई तरफ रखी जाती है। Yeah.